हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू ज्वाइन टेबल्स। ठीक है, टेबल को कैसे हम लोग ज्वाइन करते हैं, यानी कि एक से अधिक जब टेबल हमारे पास हो और दोनों में रिलेशन कायम करना हो तो कैसे हम लोग करेंगे, यानी कि दोनों टेबल को हम लोग ज्वाइन कैसे करेंगे। यानी कि दोनों ज्वाइन का मतलब दोनों टेबल्स के बीच रिलेशन बनाना है। ठीक है, जो कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं बट टॉपिक के तौर पर अभी हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, और हाँ, फॉरेन की आना आपको बहुत ज़रूरी है, यानी कि आप अगर फॉरेन की नहीं जानते हैं, फॉरेन की आपका क्लियर नहीं है तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं। सो प्लीज़ पहले फॉरेन की का जो सीरीज है, यानी कि फॉरेन की इससे रिलेटेड जितने वीडियोज़ है सभी को देखिए, देन आप इसको देखिए। ओके, सो हमारे पास ये टेबल है जिसका है, जो कि है स्टूडेंट नाम का, जिसमें कि रिकॉर्ड्स हैं और कॉलम का नाम है रोल नंबर, नेम और ब्रांच। ये जो रोल नंबर है आपका प्राइमरी की, इस टेबल का प्राइमरी की है रोल नंबर। ठीक है, अब हमारे पास एक और टेबल है एग्जाम नाम का, जिसमें कि रोल नंबर, एस कोड, मार्क्स और पी कोड। आप देख पा रहे हो कि रोल नंबर यहाँ भी है, रोल नंबर यहाँ भी है। ओके, सो ये दोनों के, ये जो दोनों ही ये आपको सेम नेम के दिखाते हैं, बट ये इस टेबल का प्राइमरी की है और ये जो रोल नंबर है इस टेबल का फॉरेन की है। ठीक है, यहाँ दोनों का नाम अलग अलग हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि आप जैसे फॉरेन की बना रहे हैं इसको तो नाम सेम ही होना चाहिए, नाम आप अलग रख सकते हैं। सो ये जो प्राइमरी की है और इस टेबल का जो फॉरेन की है, ये यही इन दोनों के बीच रिलेशन बनाता है। ठीक है, रिलेशनशिप का आप मेरा सीरीज देख, मतलब वीडियो देख सकते हैं, सीरीज तो यही है, इसी में सारे वीडियोस हैं। सो रिलेशनशिप का वीडियो देख सकते हैं कि वन टू मेनी, मेनी टू मेनी का रिलेशन कैसे, किस तरीके से होता है, वो रिलेशनशिप आप देख सकते हैं। बट फिलहाल इतना जानिए कि रिलेशन अगर आपको क्रिएट करना है, बनाना है, तो आप एक टेबल में आपका प्राइमरी की होना चाहिए और उसका एक फॉरेन की होना चाहिए, तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है। अब बात आती है कि रिलेशन किस तरीके का है, वन टू वन है, वन टू मेनी है, फिर मेनी टू मेनी है, तो ये इसके लिए आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा रिलेशनशिप वाला, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से रिलेशन बनाते हैं और किस तरीके से रिलेशन हो सकता है। ओके, हम लोग ज्वाइन की बात कर रहे हैं, तो प्राइमरी की, इस टेबल के प्राइमरी की से और इस टेबल के फॉरेन की से ये दोनों ज्वाइन हो गया है। ठीक है, और अगर कोई और टेबल है तो वह भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपको एक प्राइमरी की बनाना पड़ेगा, अगर आप इस टेबल को किसी और टेबल से ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ आपको एक प्राइमरी की बनाना पड़ेगा, और आप जिस टेबल से इसको ज्वाइन करना चाहते हैं वहाँ एक फॉरेन की बनाना पड़ेगा, फिर ये दोनों कनेक्ट हो जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि इस टेबल में एक से ज़्यादा फॉरेन की हो सकते हैं, यानी कि एक यहाँ अगर फॉरेन की है तो आप एक और फॉरेन की बना सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ एक प्राइमरी की क्रिएट मान लीजिए कि अगर आप करना नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक और जो टेबल होगा उस टेबल में आपका प्राइमरी की होगा, सो यहाँ प्राइमरी की होगा और आप यहाँ एक फॉरेन की बनाना चाहते हैं जिससे कि ये दोनों रिलेशन बने, तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरे कहने का सिंपली मतलब इतना है कि दोनों में से किसी एक टेबल में एक प्राइमरी की होना ज़रूरी है, तभी आपका रिलेशन बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ अगर आपका प्राइमरी की ये नहीं होता तो इन दोनों का रिलेशन नहीं बनता। ठीक है, सो दोनों में से किसी एक टेबल में प्राइमरी की होना जरूरी है रिलेशन बनाने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, दोनों टेबल को ज्वाइन करने के लिए। आगे के ट्यूटोरियल्स में हम लोग देखेंगे कि किस किस तरीके से हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारे ज्वाइन अवेलेबल है हमारे पास, क्रॉस ज्वाइन, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, इन सब ज्वाइंस के बारे में हम लोग आगे के ट्यूटोरियल्स में जानेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।